हाँ तो भैया अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार अभी का सीन तो कैसा है कि जो ना अभी हम लोग जाएंगे एक स्पॉट, मतलब आप उसे कह सकते हो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस फॉर बिरयानी भी कह सकते हो आप, और आप उसे वन ऑफ द मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट इन हैदराबाद भी कह सकते हो ना आप। तो बस अभी हम लोग उधर जाएंगे, उधर क्या स्पेशलिटी है बिरयानी, तो हम लोग उधर जाके बिरयानी ट्राई करेंगे, रेट करेंगे आउट ऑफ 10। उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि क्या, अगर आप लोग इफ़ यू आर इन हैदराबाद तो क्या आप लोगों को वो अपनी ईट लिस्ट के अंदर रखनी चाहिए या नहीं। तो बस फिर चलते हैं उधर और फिर प्रॉपर रिव्यू बनाते हैं आप लोगों के लिए। और आपका भाई यार देख सकते हो ना फूड ब्लॉगर भी बन चुके हैं। तो अब बस फिर चलते हैं। और वैसे इम्पोर्टेंट नोटिस, सर्दी आ चुकी है हैदराबाद में। अभी जो है ना अभी हम लोग रेस्टोरेंट आ चुके हैं और जैसे हम लोगों ने ऑर्डर भी कर दिया है ना, मतलब इधर की स्पेशलिटी है बिरयानी, तो इधर हम लोग बिरयानी ऑर्डर कर चुके हैं। और अब मैंने एक परमिशन ली थी इन लोगों से कि जो है ना मैं इन लोगों के किचन में जाके वो बिरयानी के सिनेमेटिक्स ले लूँ कुछ, तो आई होप कि इन लोगों को परमिशन मिल जाए। मतलब मैंने वेटर से पूछा है कि वो अपने सुपरवाइजर और मैनेजर है जो भी है उससे परमिशन ले ले ताकि फिर हम लोग किचन में जाके शॉट ले सकें। तो बस आई होप कि मिल जाए, तो और अगर नहीं भी मिलती मतलब हम लोग अभी वेट कर रहे हैं बिरयानी आए, लेट्स सी फिर आप लोगों को रिव्यू पूरा बताते हैं ना। तो हाँ तो भैया अभी जो है ना अभी हम लोगों का खाना मतलब बिरयानी आ चुकी है और मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताता हूँ कैसी है। यार लिटरली मतलब ना मैं पहली बार तो नहीं खा रहा, मैं इससे पहले काफ़ी टाइम जो ना खा चुका हूँ ये बिरयानी, लेकिन मतलब काफ़ी ये मतलब डिफरेंट है, इसमें ज़्यादा कोई ज़्यादा इतनी ज़्यादा कोई स्पाइसेस भी नहीं है, मतलब काफ़ी अच्छी मतलब हैदराबाद के अगर बेस्ट नहीं ना तो वन ऑफ द बेस्ट बिरयानी तो है ये। तो अभी और थोड़ी टेस्ट करते हैं फिर आप लोगों को रेटिंग देते हैं कि ये 10 आउट ऑफ कितनी है। इसका तो चिकन है ना वो काफ़ी ज़्यादा टेंडर, मतलब बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट है ना इस बिरयानी का, मतलब है कुछ ना कुछ यूनिक तो है ये। सो बस इसकी इफ आई एम नॉट रॉन्ग मतलब इसकी रेटिंग जो आएगी ना वो 10 out of 8.5 आएगी। सो आप बस जल्दी जल्दी से फिनिश करते हैं। हाँ तो भैया अभी का सीन जो ऐसा है कि जो ना अभी हम लोग खा पी के फारिग हो चुके हैं और इसके बाद एक और नेक्स्ट स्पॉट पे चलते हैं, लेट्स सी उसका क्या सीन है, तो आप लोगों को उधर ही चल के बताते हैं। स्टे ट्यून्ड। हमारा नेक्स्ट स्पॉट है थ्रिस्टी, वो भी हैदराबाद, पता नहीं हैदराबाद में मतलब हैदराबाद और कराची, कराची में भी है शायद, लेकिन अगर आप हैदराबाद आए आपने इधर की बिरयानी ना खाई तो आप हैदराबाद आए ये बताएं, मतलब आप जो है ना अपनी लेफ्ट ईट लिस्ट के अंदर रख सकते हो मतलब। हाँ तो भैया अभी जो है ना अभी हम लोगों ने लेफ्ट आ गए और इन लोगों का लिमका ले लिया है, इन लोगों का स्पेशल है रसबेरी वो ले लिया है हम लोगों ने, तो इसे ट्राई करते हैं फिर रेटिंग आप लोगों को बताते हैं। तो यार मतलब ना इसकी रेटिंग 10 out of 7 होगी क्योंकि जो है ना मतलब ये कोल्ड ड्रिंक से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, इसलिए मैं इसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो आप बस चलते हैं घर और फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। यार उन्हें ना एक डॉक्यूमेंट्री बना करके वो ने
6 का चल रहा था। हाँ तो भैया अभी जो है ना मैं घर आ चुका हूँ, और जो है ना मतलब अभी का सीन कुछ ऐसा है कि जो है यार मैं सोच रहा था कि एक फूड सीरीज स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर जो है ना मतलब हम लोग हैदराबाद फूड सीरीज के नाम से एक सीरीज स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम लोग हैदराबाद के डिफरेंट इलाकों में जाएँ, डिफरेंट मतलब फूड ट्राई करें और आप लोगों को बताएं कि यार अगर आप लोग हैदराबाद आओ तो आप लोग क्या क्या खा सकते हो हैदराबाद के अंदर। तो ये उस सीरीज का जो है ना फर्स्ट पार्ट था, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो बस इस वाली वीडियो को यहीं एंड करते हैं, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।